जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर MR भर्ती 2021 के बारे में कि ये भर्ती कब आएगी, कैसा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और क्या आपको इसके अंदर एज में छूट दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लगातार काफ़ी कमेंट आ रहे हैं इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के बाद में, जो कि इंडियन नेवी सेलर AA एंड SSR के बारे में निकाला गया है। उसके बाद से यहाँ पर आपके कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर बताइए कि ये भर्ती कब आएगी, क्या इसके अंदर हमें छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आपको एक पक्की खबर देने वाला हूँ कि कब से आप लोग सेलर MR भर्ती के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बट उसके पहले दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक जो डाउट चल रहा है वो मैं क्लियर कर दूँ। ये डाउट आपका चल रहा है जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है AA एंड SSR का, बहुत सारे लोग उसको फेक बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं और आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो पूरी तरीके से रियल है, कुछ भी उसमें फेक नहीं है। आपको 26 अप्रैल को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों का एक जो सवाल है वो ये कि उस नोटिफिकेशन के अंदर जो डेट है वो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 दी गई है, बट यहां पर जो अपडेट है वो अपडेट कर दी गई है, यानी कि अब आपको 5 मई 2021 तक का समय दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि वो उसके पहले जारी किया गया था, अब उसके बाद उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा और उसके अंदर भी आपको 5 मई 2021 तक की डेट देखने को मिल जाएगी। साथ ही कुछ वीडियो मैंने देखी जो कि उस नोटिफिकेशन को फेक बोल रहे हैं और जो ऑफिशियल वेबसाइट में व्हाट्स न्यू में एक लाइन देखने को मिल पा रही है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बीवेयर ऑफ फेक जॉब एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन यहाँ पर अपडेट की गई है ये अब की नहीं है, ये पहले की है। जब पहले इसका नोटिफिकेशन 2-3 महीने पहले वायरल हुआ था तब इंडियन नेवी ने यहाँ पर ये जो व्हाट्स न्यू है इसके अंदर ये लाइन ऐड की थी, ये अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की है। इसलिए आप इस लाइन पर मत जाइए, जो नोटिफिकेशन आया है वो पूरी तरीके से रियल है और 26 अप्रैल को मैं आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो भी देने वाला हूँ, आप अच्छे से अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये तो हुई आपकी इस नोटिफिकेशन के बारे में बात। अब बात करते आपकी सेलर MR भर्ती 2021 के बारे में कि वो कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपकी ये वैकेंसी निकलती है सेलर MR की या फिर AA एंड SSR की, इनके अंदर कुछ ही दिन का फर्क होता है। यानी कि पहले आपकी AA एंड SSR की भर्ती आती है, उसके फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, फिर उसके कुछ दिन बाद आपकी भर्ती MR की पोस्ट पर आ जाती है। अब ये भर्ती कब आएगी मैं आपको बता दूं, एज पर माई एक्सपेक्टेशन और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके जो फॉर्म है AA एंड SSR के जो फिलअप किए जाएंगे वो आपके 5 मई 2021 तक किए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे यहां पर आपके जो MR के पोस्ट है यानी कि MR के फॉर्म फिलअप किए जाएंगे वो आपके मई के सेकंड वीक के स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी आपको 10 या 11 मई के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, उसके एक दो दिन बाद या फिर 4-5 दिन बाद आपको डेट दी जाए कि आप यहां पर इस डेट से अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेलर MR के जो फॉर्म है वो मई के सेकंड वीक से फिलअप करना स्टार्ट कर पाएंगे और आपको कम से कम यहां पर इसमें भी फिल करने के लिए फॉर्म को 10 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि आप मई के थर्ड वीक के एंड तक अपने इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहां पर आपको मैं इसका पूरा पूरा एक अपना जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग इसको बता रहा हूं। आई होप ये सच हो जाए और जिन कैंडिडेट के मन में भी इसको लेकर के डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें दोस्तों जो आपकी पोस्ट है वो सेलर MR की है। MR का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूट, यानी कि 10वीं के आधार पर आपको रिक्रूट किया जाएगा। और जो आपको यहां पर जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल में आपको स्टेवार्ड, सेफ और हाइजीनिस्ट की पोस्ट दी जाती है। अगर आप ओल्ड नोटिफिकेशन यहां पर देखोगे तो सेफ, स्टेवार्ड, हाइजीनिस्ट आपको इन पर क्या काम करना होता है वो यहां पर आपको बताया, बहुत ही अच्छे से बताया और आप सब इस जानकारी को समझ भी पाएंगे। अब दोस्तों अगली जो जानकारी है वो है आपकी वैकेंसी के बारे में। तो जो आपका ओल्ड नोटिफिकेशन था 2020 का अगस्त अक्टूबर बैच के लिए, इसमें आपके अप्रोक्सीमेटली 400 पद थे। इस बार भी आपके सेम सही पद होने वाले, मे भी आपके यहां पर इस बार 500 पद हो सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग 400 ही रहेंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इतनी ही वैकेंसी इसके अंदर निकाली जाती है। मुझे लग रहा था कि जो अभी नेवी एंड SSR का नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि 2020 के अंदर नहीं आया था, तो आपको छूट मिलनी चाहिए थी एज के अंदर भी और वैकेंसी में भी आपकी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी सेलर MR की नोटिफिकेशन आएंगी उसमें भी आपको यहां पर अप्रोक्सीमेटली 400 ही पद दिए जाएंगे।
रहेंगे, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मैक्सिमम 500 हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। अब बात आती है आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में जैसा कि आप सब जानते ही है कि इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी जाती है, और 10वीं आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पास की है आप इसमें अप्लाई कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी एलिजिबिलिटी मैंसन नहीं करके रखी है कि आपकी 10वीं इन सब्जेक्ट के साथ पास होनी चाहिए, यानी कि आपने चाहे जिस भी सब्जेक्ट से 10वीं पास की है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको स्टाइपेंड यानी कि ट्रेनिंग के दौरान जो छात्रवृत्ति मिलेगी वो 14,600 होगी। उसके बाद आपको सैलरी लेवल 3 के अंतर्गत जो आती है 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। अब बात आती है आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट के बारे में भी आप लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन है और आप लोग चाहते हैं कि आपको एज के अंदर छूट दी जाए, बट मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपने रिसेंटली AA and SR का जो नोटिफिकेशन आया है उसको देखा है तो उसमें भी आपने क्लियर कर लिया है कि हाँ आपको कोई छूट ऐसी नहीं दी गई है। तो इसमें यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी वो आपकी यहाँ पर 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2004 यानी कि जिनका जन्म या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच में है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और इसके अलावा किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई छूट नहीं दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दोस्तों आपकी 205 होती है नॉर्मली, बट टैक्स लगा करके 215 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। जनरल OBC को, SC ST और विकलांग के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होती। तो ये भी आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी दोस्तों एक जो सवाल आपके मन में आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं, वो है आपका जैसे कि जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है उसमें आपकी जो कंडीशन रखी है एग्जाम देने की वो सिर्फ 10,000 कैंडिडेट की है, तो क्या जो अभी नोटिफिकेशन आएगा आपका इस वैकेंसी का उसमें भी ये कंडीशन रखी जाएगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये नोटिफिकेशन आपका मई के सेकेंड वीक के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन इसके अंदर भी 100% रखी जाएगी, बट अगर ये थोड़ा बाद में आता है किसी वजह से कैंसिल कर देते हैं इसको, नहीं अभी एक्टिवेट करते या अभी नहीं निकालते तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये अभी मई के सेकंड वीक में आता है तो फिर तो वो कंडीशन रखी जाएगी, क्योंकि अभी हालात सही नहीं हुए हैं और उसमें भी मे बी इतने ही कैंडिडेट आपके एग्जाम के लिए बुलाया जाए और सबका एडमिट कार्ड ना आए और आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ लिस्ट बने और उसके बाद ही आपको एग्जाम के लिए चूज किया जाए और वही कैंडिडेट फिर एग्जाम दे पाए जिनका जो नाम है वो कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ जाता है। तो आपने यहां पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो भी पूरी तरीके से रियल है और ये भर्ती भी आपको सेकेंड वीक के अंदर जरूर रूप से देखने को मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।